कोरोना संक्रमण को लेकर छतरपुर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क वाहन चला रहे लोगों के चालान काटे और हिदायत दी कि अगर दोबारा बिना मास्क के पाए गए तो उन्हें अस्थायी जेल भेज दिया जाएगा। छतरपुर में प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए सख्त कदम उठाए। पुलिस और राजस्व के अमले ने छत्रसाल चौक पर बिना मास्क वाहन चलाते लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और कहा कि यदि दूसरी बार बिना मास्क पाए गए तो उन्हें फिर अस्थायी जेल भेज दिया जाएगा। इस दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी। एक महिला पुलिसकर्मी का मास्क ना लगाने पर चालान बनाया गया तो उसके परिजन भड़क गए और वह पुलिस अधिकारियों से ही बहस करने लगे। प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। जैसे विराजिया के वहाँ बोलते हैं, जैसे जहाँ भी आगे नेता के बोलते हैं कि भैया इनको लग रहा है जो वो फॉलो करते हैं, दूसरों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ की कार्रवाई को लेकर क्या कहें? यहाँ की कार्रवाई नहीं, यहाँ जो साहब के साथ मैडम रहती है पुलिस में है वो कार्रवाई लेती है। उनको पर्ची काटना जरूरी ना कि उनको फॉलो करवाना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना। तो ये सब फॉर्मेलिटी देखिए, जो शासन के निर्देश है उसमें चाहे पब्लिक आदमी हो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, कोई भी हो, जो भी बिना मास्क के होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालानी कार्रवाई की जाएगी। चालानी कार्रवाई जो हो 100 से 200 रुपए तक की चालानी कार्रवाई की जा रही है और यही शासन के निर्देश भी है। जो जमा नहीं करे उनके खिलाफ सिविल जेल की कार्रवाई करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।